अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद हयात अकबर अकबर ज़रीफ़ आमिर माल से हाज़िर आपकी खिदमत में राया टीपू सुल्तान से मुतल्लिक एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर। ये तस्वीर मेरे फील्ड की हैं 24 दिसंबर 2022 की। ये टीपू सुल्तान राया है, बहुत ही मुनफरद राया है जैसा कि तस्वीर में नज़र आ रहा है। इसकी चंद खसूसियात के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये मोटी फली वाला राया है। इसकी औसत पैदावार बहुत ही ज़्यादा है, 25 से 40 मंथ तक ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी मैनेजमेंट पे, तारीफ वक्त काश्त पे। ये चंद एक तस्वीर के बाद मैं इसकी खसूसियात गिनवाता हूँ आपको। हाँ जी, ये चंद एक खसूसियात हैं टीपू सुल्तान राया। ये एक नई लाइन है, इसकी जो फील्ड मैंने दिखाया आपको इसकी वक्त काश्त 22 सितंबर 2022 है। इसकी खूसियत क्या है, जल्द पक कर तैयार हो जाता है, मोटी फलियां हैं जो कोरे के असरात से महफूज रहती हैं, पक कर खेत में गिरता नहीं है, पक कर फलियां खुलती नहीं हैं। जो राया है बहुत ही नाजुक फसल होती है, ख़ास तौर पर उन दिनों में इस पर बहुत ही एहतियात की ज़रूरत होती है जब यह पक जाता है ताकि। अस्सलामु अलैकुम जी, हयात अकबर अकबर ज़रीफ़ हां पीरबाल। तो अज 24 दिसंबर है और आया टीपू सुल्तान राया, यदि सूरत हाल है। अब देखो माशाल्लाह फलियां एदिया, फलियां दियाँ लड़ियां माशाल्लाह लंबिया लंबिया बन रही हैं। ये टीपू सुल्तान राय दे विच पिछले साल 2-3 तरह के पौधे सी, उहदे विचों असी कुछ सिलेक्शन कीती है अच्छे पौद्यां दी, वो थोनू खेत दिखा रहे हैं। माशाल्लाह देखो फलियां दे नाल खेत लद्या होया, एवें लग रहा जिवें कि फलियां ही फलियां होंदियां सारे खेत दे विच। मैं अगे जा नहीं सकता, इत्थे स्टक होया क्योंकि फलियां जड़ियां वो लंबियां होईयां, पौधे लंबे होए फलियां दी वजह नाल। लेकिन इत्थे खड़ा हो के मैं थोनू फलियां दा नज़ारा जिहड़ा वो दिखा रहा, दूरों मैं जूम करके दिखा दिना। देखो पिछे इस तरीके की सूरत हाल है जी, फलियां जड़ियां टीपू सुल्तान राया माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन फली है, मोटी फली है। देखो और फलियां ना खेत जड़ा वो लद्या होया हर तरफ जड़ा ओह फलियां दियां बहारां, मोटी फली। इहदी पैदावारी सलाई है 30+ है, 30 तो 40 मंथ तक तुसी अपनी मैनेजमेंट ते ले सकदे हो। देखो जी किन्ना कंपैक्ट फली है, इन्नी जिन्नी कंपैक्ट फली मोटी फली इस किस्म दे राय दे विच हैगी आ वह मैं किसी राय दे विच नहीं देखी हैगी, और फलियां दी भरमार है। थोनू फलियां फलियां नज़र, ऐसे लगता जैसे पौधे है ही नहीं और फलियां ना खेत तुनिया होया लद्या होया। जिधर भी देखें आप फलियों का ही नज़ारा है। देखें माशाल्लाह से आपको मैं पूरा खेत आहिस्ता आहिस्ता दिखा रहा हूँ, फसल वही होती है जब पूरा खेत दिखाया जाए, जिसमें एक पौधा या खेत का थोड़ा सा हिस्सा दिखाया जाए वो फसल नहीं होती, वो उसकी मैनेजमेंट होती है। जल्द पकने वाला राया है, अब इसमें फलियों की जो तादाद है वो ज़्यादा है और फूल नज़र नहीं आ रहे, बहुत कम रह गए हैं। अब ये कम ही दौरानियाँ लेगा पकने में, इसका पकने का दौरानियाँ बाकी रायों की निस्बत 20 दिन पहले आ जाता है। देखें जी माशाल्लाह पूरा खेत आपको मैं दिखाऊंगा आज टीपू सुल्तान राया। ये न्यू लाइन है राय की और पंजाब के अंदर इस दफ़ा ये कोई 10,000 एकड़ तकरीबन काश्त हुआ है, और आइंदा मुझे लगता है कि ये 50% से भी ज़्यादा यही काश्त होगा, क्योंकि
जो इंसान एक दफ़ा देख लेता है इसको, वो फिर कोई और राया नहीं देखना पसंद करता। इतनी मोटा जो है वो कोई और राया है। देखिए माशाल्लाह से जो फलियां हैं, टीपू सुल्तान राया अकबर दरई फार्म पीर महल से दूर तक, यहाँ तक आप नज़र दौड़ाएं, मोटी मोटी फलियां लड़ियों की सूरत में। मैं बड़ी मुश्किल से खेत के अंदर आया हूँ ताकि नाज़रीन को इसका करीबी व्यू दे सकूँ किस तरह ये थब्बे पड़े हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन व्यू। मैं आपको एक पौधा जो है वो उठा के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने जो उठाया हुआ है ये फलियाँ ही हैं सारी। ये और लड़ियाँ होती हैं इसकी लंबी लंबी ना, लंबी लंबी लड़ियाँ। ये मैं आपको लड़ी दिखा देता हूँ, ये देखें इस तरह ये लंबी लंबी लड़ियाँ इसकी लगती हैं और बहुत ही प्यारा मंजर होता है। ये जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।